हेलो दोस्तों, क्या आप कभी कभी दो रोटी की जगह चार रोटी खा लेते हैं? क्या आप कभी कभी इतने चावल की जगह इतना खा लेते हैं? यस गाइस, हम सब ने कभी ना कभी ये प्रॉब्लम जरूर फेस की होगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यम्मी मम्मी, जहां पर आप देखते हैं फूड हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट। यस गाइस, तो आज हम हमारे वीडियो में बात होगी ओवर ईटिंग को कैसे रोका जाए। यस गाइस, जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हमें जो है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं। और जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं एब्जॉर्ब हो पाता और डाइजेस्टिव सिस्टम पे तो हमारे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता ही पड़ता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं ओवर ईटिंग को रोकने के तरीके की। तो सबसे पहले हमारा जो तरीका है ओवर ईटिंग को ओवरकम करने का, रोकने का, वो है कि आप अपने खाने में सारे टेस्ट शामिल करें। अब आप सोच रहे होंगे, टेस्ट ये क्या होता है? यस, टेस्ट मतलब खट्टा, मीठा, नमकीन, कसैला। यस गाइस, जब आप खाना खाने बैठिए तो ये नहीं कि सिर्फ आपने रोटी ले ली या चावल ले लिया या सब्जी ले लिया, आप ऐसा क्या करेंगे? आपको अगर भूख दो रोटी की होगी तो आप चार रोटी खाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। वो कहते हैं ना कि खाने के इतने श्रृंगार, दही पापड़ और अचार। यस गाइस, तो आपको अपने खाने में खाना तो लेना ही लेना है, उसके साथ आपको दही भी ले लेनी है, उसके साथ आपको मीठे में गुड़ ले लेना है, या आप छोटा सा पीस रसगुल्ला खा सकते हैं, उसके साथ आप चटनी ले लीजिए, उसके साथ आप सैलड ले लीजिए। जब आप ये सारे टेस्ट अपनी डाइट में, अपने खाने में इन्वॉल्व करेंगे तो आप एक्स्ट्रा भी नहीं खाएंगे, आप ओवर ईट भी नहीं करेंगे और ये सारे जो हमने अभी आपको चीजें बताई हैं ये आपके बॉडी में जाएंगी और अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी आपकी बॉडी को मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट जो तरीका है वो है कीप एड ऑन्स टू योर डाइट। कीप एड ऑन्स का मतलब क्या होता है? कीप एड ऑन्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें ये पता होता है कि अच्छा अभी हमें खाने के बाद छाछ भी पीनी है, अच्छा अभी मेरे खाने के बाद दूध भी है, तो हम क्या करेंगे? हम ओवर ईट नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम खाना 9 बजे खा लेते हैं क्योंकि हम देर तक जगते हैं, आज की जीवन शैली ही ऐसी हो गई है तो हमें भूख लगने लगती है। तो हम क्या करेंगे? हमें पता होता है कि हमें दूध पीना है तो हमने दूध पी लिया। तो जब आप खाने के साथ एड ऑन्स रखेंगे, आपको पता होता है कि हमारे खाने के साथ सैलड भी है। आप ये चीज ट्राई करके देखिए, जब तक आप कोई चीज अपने जीवन शैली में लाएंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आप कितनी भी वीडियोस देख लें। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको एक बार में एक ही सर्विंग लेनी है। ये नहीं कि आपकी मम्मी या आपकी वाइफ आपको गरम गरम रोटी दे रही है या आप होटल में गरम गरम बैठ के खा रहे हैं तो आप जो है मंगाते ही जा रहे हैं, लाओ एक और ले आओ, लाओ एक और ले आओ। फिर आपको क्या होगा, आज मेरे पेट में तो सुबह से दर्द है, और आपको फिर वो सारी बीमारियां पकड़नी जकड़नी शुरू हो जाएंगी। तो आप क्या करिए, आप एक बार में एक ही सर्विंग ले लीजिए, एक ही प्लेट ले लीजिए, उसके चार हिस्से बना लीजिए, एक में चावल, एक में दाल, एक में सैलड, एक में घी, एक में चटनी, एक में मीठा, आप कुछ भी रख लीजिए। यस गाइस, तो आप ये तरीका जरूर अपना ही है, आप ओवर ईटिंग की समस्या से जरूर निजात पा लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो तरीका है वो है खाना धीमे धीमे खाएं, चबा के खाएं। जब भी आप खाना धीमे धीमे खाएंगे, चबा के खाएंगे, तो आपको एक संतुष्टि मिलेगी, और खाना जब आप जो है अपने ध्यान लगा के खाएंगे तो आप ओवर ईट नहीं करेंगे। आप इस तरीके को जरूर अपनाइए। फोन को अपनी बिल्कुल दूर रखिए, बिल्कुल भी आप टीवी मत देखिए। आप खाना ऐसे खाइए जैसे आप अपने से बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने खाने ले लिया, आप अपने आप से ही बात करिए, अरे वाह आज खाने में ये है, आज मैं अच्छे से खाऊंगा और चबा के खाऊंगा और धीमे से खाऊंगा। अच्छा, सैलड भी है, अच्छा अच्छा मीठा भी है, अच्छा आज जो है मेरे मनपसंद खाना बना है, अच्छा नहीं मैं अच्छे हेल्दी खाऊंगा तो मैं अच्छा से हेल्दी भी रहूंगा। तो आप अपने से बात करिए, आप जो है स्क्रीन से दूर रहिए, आप किसी से भी बात मत करिए, आप सिर्फ अपने से बात करिए, एक जगह गलती पलती मार लीजिए और बैठ के खाइए। ये तरीका जरूर अपनाइए। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो तरीका है वो है कि अपने स्टमक के सिग्नल की जरूर सुनिए। यस गाइस, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट हमें सिग्नल जरूर देता है कि आप बस रुक जाओ, अब पेट में जगह नहीं है।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके सिग्नल की जरूर सुननी है। अगर आपने सिग्नल को सुना तो आप जो है बीमारियों से दूर रहेंगे, अगर आपने सिग्नल को नहीं सुना तो बीमारियां जो है आपको जकड़ लेंगी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा। हमारा जो तरीका है ओवर ईटिंग को रिमूव करने का वो है कि खाना हमेशा जो है ईट स्लोली, खाना हमेशा जो है धीमे धीमे खाना चाहिए। यस गाइस, जब भी आप खाना खाने बैठे तो आप बिल्कुल भी हड़बड़ी में मत रहिए, बिल्कुल भी आप अपना फोन मत उठाइए, क्योंकि जब आप फोन उठाएंगे या आप जो है टीवी प्रोग्राम देखेंगे तो आप जो है उसको देख के खाएंगे, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितना खा लिया, आप दो की जगह चार रोटी खा लेंगे। इसलिए जब भी आप खाना खाने बैठें तो ध्यान से कहीं भी बैठ जाएं आराम से और धीमे धीमे चबा के खाएं। जब आप धीमे धीमे चबा के खाएंगे तो आपकी बॉडी आपको खुद ही सिग्नल देने लगेगी कि बस अब पेट में कुछ नहीं जाना है। हमारा लास्ट जो है वो तरीका है जो हमें अपनाना चाहिए वो है कि सिग्नल का वेट करें। किसके सिग्नल का? माइंड के सिग्नल का और पेट के सिग्नल का। यस गाइस, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट हमें सिग्नल जरूर देता है कि नहीं अब पेट में और नहीं डालना है। यस गाइस, तो यहाँ पर आपको आपकी गुडविल स्ट्रांग रखनी होगी, आपको अपने पेट की जरूर सुननी होगी। जैसे ही आपका पेट आपको सिग्नल देने लगे तो आप वहीं पर रुक जाएं, क्योंकि आपका पेट आपको बता देता है कि आपको अब नहीं खाना है। जैसे ही आप अपने सिग्नल की सुनेंगे तो वैसे ही आप जो है खाना वहीं बंद कर देंगे, नहीं तो आप जो है अपने सिग्नल की नहीं सुनेंगे तो आपको फिर सारी बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वेट गेन, इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये था ओवर ईटिंग को दूर करने का आसान तरीका। तो अगर आपको भी कोई तरीका मालूम है, आपकी नॉलेज में है, आपकी जानकारी में है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और आगे अच्छे अच्छे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। टिल देन आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।